हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। तो दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है नेपोलियन युग, उत्थान एवं पतन। ठीक है, नेपोलियन युग, चूंकि ये एक इतना बड़ा सा टॉपिक बन जाता है कि मैंने इसको इसके बारे में सोचा कि एक अलग से ही इसके लिए लेक्चर बनाया जाए। चूंकि फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में हम पहले भी दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और फ्रांस की क्रांति का ही हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम इस नेपोलियन के पार्ट को पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा तो है जरूर नेपोलियन युग उत्थान एवं पतन। इसका जो टाइम पीरियड मैंने लिखा है वो है 1789 से 1815 तक। ठीक है दोस्तों, ये वो समय पीरियड है जब जो नेपोलियन का जो उत्कर्ष है फ्रांस में वो शुरू हो जाता है, और लगभग 1815 में जब ये वाटरलू का युद्ध होता है, या ये कहें कि जब यूरोपियन राष्ट्रों का चौथे गुट का निर्माण होता है, और वाटरलू के युद्ध में 1815 में जब नेपोलियन की हार होती है और उसके बाद उसको जो है तो सेंट हेलना द्वीप में भेज दिया जाता है, जहां पर जो निर्वासित जीवन व्यतीत करने के उपरांत 1821 में उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ उसके संपूर्ण जीवन काल के बारे में तो हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड लिखा है 1799 से 1815 तक, ये उसके चरमोत्कर्ष का काल रहा है, इसलिए हम इस टाइम पीरियड को किस नाम से जानते हैं, नेपोलियन युग के नाम से। ठीक है, जैसे हम महात्मा गांधी के बारे में जब पढ़ते हैं तो उनका भी एक इरा हम पढ़ते हैं, जब वो भारत आते हैं और स्वतंत्रता संग्रामों में वो भाग लेते हैं, उस टाइम पीरियड को हम गांधी इरा के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार इस टाइम पीरियड को हम जानते हैं नेपोलियन इरा के नाम से। तो अब देखते हैं यहां पर कि इस लेक्चर में हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो नाम आप देख रहे होंगे नेशनल कन्वेंशन का, डायरेक्टरी का शासन, ये हम अपने फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था वहां पर हम इन सारी चीजों को पढ़ चुके थे। लेकिन चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो है और जो फ्रांसीसी क्रांति है और उसके बाद वहां पर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो अक्सर एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं दोस्तों, है ना। तो जब तक आप उसको जोड़ करके नहीं समझेंगे तो आप बोनापार्ट के जीवन को, उसके चरित्र को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब बात यहां पर इन चीजों को देखना है आपको कि सबसे पहले देखेंगे नेशनल कन्वेंशन के काल को। ठीक है, नेशनल कन्वेंशन का काल जो था फ्रांस की क्रांति में वो था आपका 1792 से 1795 के मध्य। अब इस टाइम पीरियड में फ्रांस में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस नाम से जानी गई, नेशनल कन्वेंशन के नाम पे। लेकिन इसी टाइम पीरियड में तो नेपोलियन भी रहा होगा, वह भी कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, तो हम देखेंगे वहां पर। इसके बाद फ्रांस में जब 1795 के बाद वहां पर नया संविधान लागू होता है और संविधान लागू होने के उपरांत डायरेक्टरी का शासन स्थापित होता है फ्रांस में, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1795 से 1799 तक रहता है। ठीक है, मतलब 4 वर्षों का। अब यहां पर देखेंगे कि डायरेक्टरी के शासन में फ्रांस में क्या हो रहा था और उसके सापेक्ष जो है नेपोलियन यहां पर कौन कौन से कार्यों में लगा हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है देखेंगे प्रथम काउंसिल के रूप में और नेपोलियन जो है स्थापित होता है 1799 में ही, मिस्र के अभियान से जब वापस लौटता है उसके बाद ही वो डायरेक्टरी के शासन को समाप्त करके और फ्रांस का प्रथम काउंसिल नियुक्त किया बनता है नेपोलियन, वो इरा होता है आपका 1799, वो साल जो है 1799 का रहता है, और यहीं से हम चालू करते हैं नेपोलियन युग। ठीक है, तो प्रथम काउंसिल के रूप में स्वयं को बैठा नियुक्त करता है नेपोलियन। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1804 तक प्रथम काउंसिल के रूप में, और जो सुधार करता है वो फ्रांसीसी समाज में, वहां की राजनीतिक व्यवस्था में, वहां की धार्मिक, वहां की आर्थिक व्यवस्था में, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है कि सम्राट के रूप में नेपोलियन की कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं, क्योंकि 1804 में वो फ्रांस जो नेपोलियन है वो फ्रांस का सम्राट नियुक्त हो जाता है, और जो है तो इसके बाद लगातार वो कई सारे युद्धों में अनवरत युद्ध भी करता है, और फिर जो है अंततः 1815 में वाटरलू के युद्ध में वो पराजित होता है और फिर उसे निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां 1821 में उसकी मृत्यु होती है। तो इन घटनाओं को आपको ध्यान में रखना है, और यही वो घटनाएं हैं जिनसे आप रिलेट करोगे, आप जोड़ोगे संबंध नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो दोस्तों,
फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युग के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम मिलता है मादले। मादले कहते हैं कि यह बात सत्य है कि फ्रांसीसी जो हर एक व्यक्ति हर एक घटना एक फ्रांसीसी राष्ट्र को एक ऐसे व्यक्ति के अधिनायकत्व में सौंपने के लिए सहयोग कर रही थी, और वह व्यक्ति कौन था आपका? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह एक शक्तिशाली योद्धा कह सकते हैं हम उसे उसे हम विश्व विजेता के नाम से भी जान सकते हैं। तो एक उसका एक ऐसा व्यक्तित्व था कि आप उसके संपूर्ण जीवन के जितने भी उसने कर्म किए, जितने भी युद्ध लड़ी, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, जितना भी उसने प्रशासनिक काम किए, जितने भी सुधार काम किए, आप अगर आप उसके कामों का, उसके विजयों का आप गहन अध्ययन करते हो तो निश्चित तौर पर आप वो जो उसका व्यक्तित्व है वो ज्यादा निखर कर सामने आ जाता है। यही कारण है कि विश्व भर में अगर किसी व्यक्ति पर सर्वाधिक किताब लिखने का नाम आता है, किस व्यक्ति पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई, तो वो व्यक्ति कौन मिलता है आपको? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है वो 15 अगस्त 1769 में हुआ। ठीक है, याद रहेगा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में कहां पर हुआ? कोशिका द्वीप में, कोशिका द्वीप के अजासियो नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, कोशिका द्वीप में अजासियो नामक स्थान पर हुआ। अब यहां पर समझना थोड़ा सा ये है कि ये जो कोशिका द्वीप था, ये द्वीप कहां पर है? इटली में है। ठीक है, लेकिन इस समय पर, जिस समय इसका जन्म होता है 1769 में, ये जो द्वीप है ये किसके अधीन रहता है? फ्रांस के अधीन होता है। ठीक है, कहां पर है? इटली में। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट, हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट के हम माता का नाम देखें तो माता का नाम मिलता है लेटेजियो बोनापार्ट। ठीक है, जो कहाँ की थी? लेटेजियो बोनापार्ट जो थी वो थी आपकी कोर्सिका द्वीप की। ठीक है, जब जबकि पिता जो थे इनका नाम था कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, और ये फ्लोरेंस शहर के थे, फ्लोरेंस शहर इटली में था। ठीक है, तो कहने का मतलब वंश, अगर हम वंश की बात करें कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वंश की तरफ से वो एक इटालियन था, लेकिन अगर राष्ट्रीयता की बात करें तो राष्ट्रीयता की साइड से वो एक फ्रांसीसी व्यक्ति था। ठीक है, इसके बाद इसकी, अब माता का नाम हो गया लेटिजियो बोनापार्ट था, पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। अब जब, चूंकि ये एक मध्यम परिवार के लोग थे, नेपोलियन बोनापार्ट के 4 भाई और 3 बहन भी थी। ठीक है, तो काफी बड़ा परिवार भी था इनका, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मध्यम वर्गीय श्रेणी में हम इनको काउंट करते हैं। अब इसके बाद जब ये बड़ा होता है तो ये पेरिस जाता है और वहां के सैनिक स्कूल में शिक्षा लेने के लिए भर्ती होता है, तो वहां पर कई सारे विषयों का अध्ययन करता है। साथ ही साथ जो उस समय जैसे कि जूलियस सीजर जो होते हैं और काफी सारे जो बड़े बड़े उस तत्कालीन समय के योद्धा होते हैं, ये कह सकते हैं कुशल प्रशासक होते हैं, उनके विचारों को वो ग्रहण करता है। अब बात यह है, चूंकि वो सैनिक स्कूल था, उस सैनिक स्कूल में अभिजात वर्ग के बच्चे भी पढ़ते थे। ठीक है, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट की तुलना में वो अधिक अमीर हुआ करते थे, तो उस स्कूल में ही उसे काफी असमानता का व्यवहार जो है झेलना पड़ा, जो कि तात्कालिक समय जो फ्रांसीसी समाज था उसमें असमानता विद्यमान थी, वो हम देख चुके हैं पहले भी। तो इन्हीं असमानताओं के कारण नेपोलियन बोनापार्ट के व्यक्तित्व तो उसके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है, और वो प्रण करता है कि एक ना एक दिन मैं उस स्थिति में पहुंचूंगा जब मैं इस असमानता को क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा। तो अब जब नेपोलियन धीरे धीरे बड़ा होता है, अब देखते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था में नेपोलियन बोनापार्ट पहली बार सेना में शामिल हुआ। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में कहने का मतलब है, जन्म देखिए कब हुआ, 1769 में, और 16 वर्ष की अवस्था मतलब लगभग बात हो रही है 1785 की। तो 16 वर्ष की अवस्था में वो सेना में शामिल हो जाता है, और इसके बाद लगभग 1792 में जैकोब दल का वो सदस्य बन जाता है। जैकोब मतलब जैकोबियन दल। ठीक है, जहां पर हमने पढ़ा था कि ये जो दल होते हैं, ये जो दल था जैकोबियन, ये जैकोब नामक चर्च के नाम से इसका दल का नाम जैकोब पड़ा था, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो दांतों के बारे में और रोबोस्फियर के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो 1992 में जैकोब दल का सदस्य भी बनता है, और इसके बाद 1993 में एक फ्रांस के अधीन एक बंदरगाह था जिसका नाम था तूलो बंदरगाह। ठीक है,
इस तुलो बंदरगाह पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने जो था वो अपना अधिकार कायम कर लिया। और इस बंदरगाह को 3 महीने के अंदर, जो कि अभी सेना में शामिल हो चुका था, और 3 महीने के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने तुलो बंदरगाह को अंग्रेजों के अधिपत्य से क्या किया, छुड़वाया या मुक्त करवाया। और यही वो पहली घटना थी नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट एक राष्ट्र के समक्ष जो है प्रकाश में आया। ठीक है कि फ्रांसीसी जो जनता थी, वहां के जो शासक थे, वो पहली बार नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जो है सुनते हैं इस घटना के कारण। अब होती है क्या घटना कि 1995 को जब एक नेशनल कन्वेंशन की सभा चल रही थी, तो उस सभा को जो राज सत्तावादी थे, मतलब जो कुछ ऐसे लोग थे जो पुनः है फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना करना चाह रहे थे, उन्होंने इस कन्वेंशन की सभा को क्या कर लिया, घेर लिया और हिंसक प्रदर्शन करने लगे। तो चूंकि अब आपको पता है कि जब हम पढ़ते हैं कन्वेंशन के बारे में, तो वहां पर जेकोबियन दल था। अब जेकोबियन दल का सदस्य बन चुका है नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं। ठीक है, तो रोबोस्पियर के कहने पर जो है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उस हिंसक जो उपद्रव हो रहा था उस पर उसने काफी गोलीबारी करके उस उपद्रव को क्या कर दिया, शांत कर दिया। और इस घटना के पश्चात वो कन्वेंशन का काफी विश्वास पात्र व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट बन जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे उसका जो उत्कर्ष है फ्रांसीसी कह सकते हैं कि समाज में या फ्रांस के राजनीतिक व्यवस्था में धीरे धीरे अब उसका उत्कर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात तो यहां तक थी कि अब देखिए 1792 से 95 तक की घटनाएं लगभग हमने कवर कर ली कि नेशनल कन्वेंशन के काल में क्या क्या घटित हो रहा था नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन में। अब बात आती है जब डायरेक्टरी का शासन स्थापित होता है फ्रांस में 1795 से 1799 के बीच, तो अब हम देखते हैं कि उसी समय पर नेपोलियन बोनापार्ट क्या कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि अभी तक हमने देखा कि राष्ट्रीय कन्वेंशन, जिसका शासन काल लगभग 1792 से 95 तक था, और इसी बीच फ्रांस में आतंक के राज की स्थापना होती है और उसकी समाप्ति भी हो जाती है, एक तरफ ये था, और दूसरी तरफ नेपोलियन बोनापार्ट जिसने पहली राजनीतिक विजय जो है हासिल कर ली थी तुलो बंदरगाह पर अधिकार करने के उपरांत। ठीक है, अब जो है 1795 में नया संविधान बनता है और उस संविधान के अकॉर्डिंग फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन स्थापित होता है। ठीक है, अब डायरेक्टरी का शासन, चूंकि जो पहली राजनीतिक विजय प्राप्त करने के उपरांत अब जो नेपोलियन का व्यक्तित्व है उसका जो प्रभाव है वो डायरेक्टरी के अधिकारियों पर भी अब पड़ने लगा है। ठीक है, तो इसी कारण से अब एक तरफ डायरेक्टरी का शासन स्थापित है समझिए, और दूसरी तरफ है आपका नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट की लगभग मार्च 1796 को जोजोफिन नामक स्त्री, एक विधवा स्त्री होती है, उस स्त्री से विवाह होता है। ठीक है, और विवाह होने के 2 दिन उपरांत ही, चूंकि अब जो है यूरोपीय परिदृश्य की बात करूं तो फ्रांस के विरुद्ध पहला यूरोपीय गुट निर्मित हो चुका होता है, और उस यूरोपीय गुट में आपके पीडमोंट होते हैं और दूसरा है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए थोड़ा सा मैंने विश्व का मैप मानचित्र बनाने का प्रयास किया है, तो एकदम तो सही नहीं है, थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी यहां पर देखें आप, अगर आपने मानचित्र में आप देखेंगे तो ये स्पेन है, पुर्तगाल है, यहाँ पर फ्रांस है, ये आपके छोटे छोटे देश थे, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है, यहाँ पर ये जर्मनी और ये है ऑस्ट्रिया। चूंकि अभी आपको ये सारे नाम सुनाई पड़ेंगे, चूंकि इस समय पर ना तो जर्मनी जर्मनी था और ना ही इटली इटली है, लेकिन फिर भी समझने के लिए भी हमने इनके नाम को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अभी चूंकि आपको इटली ये सारे नाम अभी सुनाई पड़ेंगे, तो आपको एक चीज जो है तो क्लियर रहे कि कहाँ है ऑस्ट्रिया, इटली कहाँ पर है, सीरिया कहाँ पर है, ये नाम अभी आएंगे। तो एक तरफ ये आपको मैप देख के चलना है क्योंकि सारी घटनाएं अब यहीं से रिलेट होंगी। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि 1796 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जोजोफिन नामक महिला से विवाह किया, लेकिन विवाह करने के 2 दिन पहले ही उसे जो है एक सेना की कमान संभालने का मौका, अवसर दिया गया। वो जो सेना थी उसको अभियान का नाम दिया गया इटली अभियान। ठीक है, और उस समय जो कि इटली नहीं था वो पीडमोन था, तो इटली अभियान के नाम से उसको जाना गया।
अब बात ये थी कि चूंकि सिकंदर का व्यक्तित्व तो बढ़ रहा है, उसका प्रभाव सारे यूरोप में धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो यूरोपीय गुट बना और उस गुट में दो लोग थे। एक था आपका पीडमोंट, जिसको हमने इटली नाम दिया, और दूसरा था आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो अब चूंकि ये दोनों संयुक्त रूप से फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हुए, तो अब नेपोलियन बोनापार्ट को इसकी कमान दी गई कि आपको जो है इस युद्ध में जो है जाना है। अब इन दोनों की संयुक्त सेना लगभग 80,000 लोग इनकी सेनाओं में, जबकि नेपोलियन के पास इसकी आधी संख्या थी। ठीक है, लगभग 40,000 लोग नेपोलियन, 40,000 लोगों या सेना लेकर के नेपोलियन जो है इटली अभियान के लिए निकलता है। तो सबसे पहले अब ये है ऑस्ट्रिया और ये है इटली या पीडमोंट, इन दोनों की संयुक्त सेनाओं का सामना था किससे? फ्रांस से। ठीक है, तो सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने किसको हराया? पीडमोंट को हराया। ठीक है, और पीडमोंट को लगभग ये जो युद्ध था पीडमोंट से, वो 1 साल तक युद्ध चला। मतलब देखिए, अप्रैल 1796 में, यहाँ मार्च 1796 में विवाह होता है, और उसके 2 दिन पहले ही जो है तो उसको कमान संभालने का मौका दे दिया जाता है। तो कहा जाता है कि जोजोफिन का बहुत बड़ा हाथ होता है नेपोलियन की विजयों में। ठीक है, क्योंकि वो काफी शुभ होती है नेपोलियन के लिए। तो अप्रैल 1796 से अप्रैल 1797 तक पीडमोंट से जो है लगभग 1 वर्ष तक युद्ध चलता है, और इस युद्ध में अंततः नेपोलियन बोनापार्ट की विजय होती है, या कह सकते हैं फ्रांस की विजय होती है। और पीडमोंट को हराने के बाद वो जो पीडमोंट के क्षेत्र में के अधीन जो कुछ क्षेत्र थे, जैसे सेवाएं था, जो नीस क्षेत्र था, उस पर जो है फ्रांस अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार की राजनीतिक विजय ही थी नेपोलियन बोनापार्ट की। इसके बाद जो दूसरा देश था वो था आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया को फिर बाद में जाकर ऑस्ट्रिया को कई से कई सारे युद्ध लड़ने पड़ते हैं बोनापार्ट को, और अंततः ऑस्ट्रिया को भी पराजित कर देता है नेपोलियन बोनापार्ट। और ऑस्ट्रिया और फ्रांस के मध्य 17 अक्टूबर 1797 को कैंपो फोर्मियो की संधि होती है। ठीक है, याद रखना आपको, कैंपो फोर्मियो की संधि किसके साथ होती है? फ्रांस की और ऑस्ट्रिया की। ठीक है, इस संधि के फलस्वरूप फ्रांस को जो एक बेल्जियम था आपका, ये जो बेल्जियम है, इस पर चूंकि हालांकि पहले जर्मनी का ही अधिकार होता है, लेकिन ऑस्ट्रिया पुनः इस पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। तो जब ये कैंपो फोर्मियो की संधि होती है, तो फ्रांस का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है कौन? ऑस्ट्रिया। ठीक है, बेल्जियम पर आपका ही अधिकार रहेगा। इसके बाद जो उत्तरी इटली के कुछ क्षेत्र जो है ऑस्ट्रिया किसको दे देता है? फ्रांस को दे देता है, क्योंकि ये जो कुछ क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों पर किसका अधिकार होता है? ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया इन पर से अपना अधिकार हटा करके और वो किसको दे देता है? फ्रांस को दे देता है। साथ ही साथ राइन नदी के कुछ क्षेत्रों को भी, राइन नदी के दक्षिणी भाग के कुछ क्षेत्रों को भी ऑस्ट्रिया किसको दे देता है? फ्रांस को दे देता है। इस प्रकार से अभी यूरोपीय परिदृश्य में जो नेपोलियन था, जो फ्रांस था, वो फ्रांस का चरमोत्कर्ष धीरे 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 बढ़ने लगा, और संपूर्ण यूरोपीय राष्ट्र जो थे वो फ्रांस के प्रभाव, या कहें नेपोलियन के प्रभाव से, अब धीरे धीरे डरने लगे। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी तक हमने बात करी 1797 तक, ठीक है, कैंपो फोर्मियो की संधि, ये जो पहला यूरोपीय गुट था, इस गुट को परास्त कर देता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब होता क्या है कि चूंकि अभी भी डायरेक्टरी का शासन यहाँ पर स्थापित है, हमने पढ़ा था कि डायरेक्टरी के शासन काल में ये जितने भी डायरेक्टर थे, ये सभी जो है भ्रष्ट थे। ठीक है, ये जनता की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान इनका नहीं होता था, बस बस फ्रांस की सुरक्षा व युद्धों में ही ये अनवरत लगे रहते थे। साथ ही साथ फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी, वो भी बड़ी जर्जर हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, वहां पर महंगाई दर बढ़ चुकी थी, उद्योग जो है लगभग नष्ट हो चुके थे। तो ये सब आंतरिक समस्याओं से फ्रांस उस समय पर जूझ रहा था। ठीक है, अब चूंकि अब नेपोलियन अब जब इन सब चीजों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसका कद थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, या कहें कि डायरेक्टरी का जो शासन होता है, ये डायरेक्टर्स अब नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, पेरिस से दूर रखने की कोशिश
करने लगे, क्योंकि इसका प्रभाव अब पेरिस की जनता पर जो है होने लगा था। तो चूंकि वहां पर सभी सभी जितने भी दल थे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो, सबको अपनी अपनी सुरक्षा की लगी हुई थी। चूंकि अभी तक ना तो हमने देखा क्रांति काल में 1789 में जो जनता की मांग थी, उस मांग को या जिन मांगों के आधार पर समानता बंधुत्व के नाम पर जो क्रांति हुई, उसके बाद जनता को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद देखिए 1793 में, 95 में और 99 तक, यहाँ तक जनता को वो सारे अधिकार नहीं प्रदान किए गए थे जिसके लिए क्रांति हुई थी। ठीक है, अब बात करें कि अब चूंकि डायरेक्टरी चाह रही है कि नेपोलियन को पेरिस से दूर रखा जाए, अब चूंकि एक शर्त ये भी थी, संविधान में ही उल्लिखित था कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष से कम होगी तो वह डायरेक्टरी का सदस्य जो है वो नहीं बन सकता। तो अभी भी नेपोलियन की जो एज है वो 40 वर्ष से कम थी। तो इसको भेजा गया फिर कि आप जाओ मिस्र अभियान के लिए। ठीक है, मिस्र अभियान नेपोलियन जाना क्यों चाह रहा था? वो जाना इसलिए चाह रहा था क्योंकि मिस्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां से अगर आप इस पर अधिकार कर लेते हो तो निश्चित रूप से एशिया और यूरोप के जो व्यापारिक मार्ग हैं उस पर आपका अधिकार हो जाता था। ठीक है, तो नेपोलियन जो है निकलता है फ्रांस के तुलो बंदरगाह से कहां के लिए? मिस्र अभियान के लिए। ठीक है, तो लगभग मई 1789 में वो मिस्र के अभियान के हेतु मिस्र पहुंचता है और लगभग 40,000 की सेना साथ ही अपना जहाजी बेड़ा तैयार करते हुए तुलो बंदरगाह से निकलता है। अब यहां पर पहुंचता है, पहुंचने के क्रम में सर्वप्रथम अलेक्जेंड्रिया को विजित करता है और विजित करने के उपरांत जो पिरामिडों का युद्ध के नाम से हम इस युद्ध को जानते हैं, पिरामिडों के युद्ध में काहिरा को जीत चुका होता है। ठीक है, काहिरा जो मिस्र की कैपिटल होती है। अब जब इसने मिस्र को जीत लिया तो इसकी जानकारी किसको लगती है? टर्की के खलीफा को। तो क्यों गुस्सा होता है ये? क्योंकि ये जो मिस्र है ये अभी किसके अधीन आता है? इस टर्की टर्की के अधीन था मिस्र। मिस्र तो जो टर्की का खलीफा था वो फ्रांस की विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। लेकिन नेपोलियन बिना डरे वो क्या करता है? वो आगे बढ़ता है और जनवरी 1799 में सीरिया पर अपना अधिकार कर देता है। ठीक है, लेकिन अपना अधिकार किए बिना ही, हालांकि युद्ध तो जीत लेता है, सीरिया को जीत लेता है, लेकिन अपना अधिकार किए बिना ही वो वहां से वापस लौटता है और कहाँ पहुंचता है? वो पुनः पहुंचता है फ्रांस। तो ऐसा क्या घटित होता है इस समय पर कि नेपोलियन को पुनः अपना इस अभियान को अपूर्ण करते हुए या अभियान को पूरा ना करते हुए वापस फ्रांस लौटना पड़ता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ये जो प्रथम गुट था पीडमोंट और ऑस्ट्रिया का, इसको नेपोलियन ने पराजित किया और पराजित करने के उपरांत फिर वो बहुत दूर निकलता है, मतलब मिस्र। अब चूंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूर होगा तात्कालिक समय पर जब आपके पास साधन थे नहीं, तो सालों लग गए। अब यहाँ पर सालों बाद पहुंचा मिस्र वहां पर। ठीक है, अब अभियान में लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि जब ये मिस्र अभियान में होता है बोनापार्ट, तो पुनः जो यूरोपीय देश होते हैं वो फ्रांस के विरुद्ध द्वितीय गुट का निर्माण कर चुके होते हैं। अब इस गुट में संभवतः, चूंकि यूके जो है अभी आपको पता है औद्योगिक क्रांति लगभग लगभग हो ही चुकी है, उपनिवेशवाद या का जो विचारधारा है वो संपूर्ण यूरोप में फैल चुका है। और तो होता क्या है कि जो ब्रिटेन है वो पूंजी के बल पर सारे राष्ट्रों को अपने तरफ मिला लेता है। ठीक है, कि आओ हम सब एकजुट हो जाए और ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये जो फ्रांस शक्तिशाली बनता जा रहा है, इसको हम परास्त करें। तो हुआ क्या कि जब इसकी खबर नेपोलियन बोनापार्ट को लगती है तो वो पुनः वापस पहुंचता है और पहुंचने के क्रम में जब वो ये भी देखता है कि मैंने जो क्षेत्र पीडमोंट से हासिल किए थे उन क्षेत्रों पर पुनः जो है ऑस्ट्रिया ने क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है। तो निश्चित रूप से इस घटना, ये जो घटना घटित हुई, जो कि आपने इस क्षेत्र को जीता और जीतने के उपरांत यहां पर भी इस क्षेत्र पर भी डायरेक्टरी का शासन स्थापित हुआ, फिर आप चले गए मिस्र अभियान में, तो इसकी रक्षा करनी थी किसको? डायरेक्टरी को। लेकिन डायरेक्टरी ने इटली के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित, वो अपना शासन नहीं बना पाए, जिससे डायरेक्टरी की निर्बलता सिद्ध हुई यहां पर। तो नेपोलियन जब पहुंचता है फ्रांस
तो देखता है कि काफी सारी जनता जो पेरिस की जनता है वो काफी खुश होती है, लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो द अपने दोस्त से क्या बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई फ्रांस में हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो उसका एक कथन है कि वो कहता है कि अगर मैं थोड़ा पहले आता तो बहुत जल्दी होती, और थोड़ा मैं देरी से आता तो बहुत बहुत देर हो जाती। तो अब जो है नाशपाती पक चुकी है। नाशपाती पकने का मतलब है कि अब वो समय आ गया है कि मैं फ्रांस में जो डायरेक्टरी का शासन है उसको क्या कर दूं, मैं समाप्त कर दूं। और हुआ भी फिर यही कि वो अपने सैनिकों के साथ जाता है और डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर देता है, और इसी के उपरांत डायरेक्टरी का शासन समाप्त होता है और फ्रांस में काउंसिल व्यवस्था शुरू होती है। ठीक है, तो 1799 में फ्रांस में काउंसिल शासन व्यवस्था स्थापित होती है और तीन काउंसिल नियुक्त होते हैं। उनमें से पहला काउंसिल नियुक्त किया जाता है आपका नेपोलियन बोनापार्ट। अब इसके बाद फिर हम सारी चीजों को बढ़ते हैं कि जब नेपोलियन बोनापार्ट एक काउंसिल के रूप में उसके कौन कौन से काम हैं, तो आइए अब देखते हैं। चूंकि मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज थी ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि काउंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन से सुधारात्मक कार्य किए। चलिए, अब क्या है कि अब देखते हैं कि डायरेक्टरी का शासन जो कि अब नेपोलियन ने समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के उपरांत नेपोलियन के ही काल में फ्रांस की क्रांति का चौथा संविधान लागू हुआ, या ये कहें कि क्रांति काल का चौथा संविधान लागू किया गया। और उस संविधान में इस काउंसिल की व्यवस्था की गई कि काउंसिल जो है तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी, और उनका जो टेन्योर होगा, जो अवधि होगी, वो 10 वर्ष की होगी। तो लेकिन इन ये जो तीन तीन काउंसिल व्यवस्था नियुक्त किए गए उनमें तीन व्यक्ति थे। जैसे पहला काउंसिल था आपका नेपोलियन, दूसरा था केम्बेसरी और तीसरा था लेब्रून। ठीक है, तो ये 10-10 सालों के लिए 10 सालों के लिए ही नियुक्त किए गए थे। लेकिन आगे चलकर अगर मैं बात करूं तो 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट को इस काउंसिल का आजीवन सदस्य जो है नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जो है तो संविधान का निर्माण शुरू हो गया। साथ ही साथ जितनी भी फ्रांस की, चाहे वो राजनीतिक सत्ता की मैं बात करूं, अब वो किसके हाथों में आ चुकी है, इसी काउंसिल व्यवस्था के हाथ में आ गई। अगर काउंसिल भी नहीं, अगर मैं बात करूं नेपोलियन के हाथों में आ गई, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अब फ्रांस की जितनी भी कार्यपालिक शक्ति है वो भी अब इसी काउंसिल व्यवस्था के हाथ में आ गई। हालांकि फ्रांस में अभी भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित है, किंतु वो नाम मात्र की थी, क्योंकि सारी की सारी शक्तियां अब एक ही व्यक्ति में निहित हो गई, और वो था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो एक तरफ तो ये परिदृश्य चल रहा है जो फ्रांस की आंतरिक स्थिति में। अगर मैं बाह्य स्थिति की बात करूं कि दूसरी तरफ हमने बात की थी कि जब नेपोलियन कहां पर था, मिस्र अभियान में, तभी उसे खबर लगती है कि फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय राष्ट्र जो है उन्होंने द्वितीय गुट का निर्माण कर लिया है। और उस गुट में कौन कौन से लोग थे, आपका यूके था, नेपल्स मतलब कि इटली, और फिर था ऑस्ट्रिया था और रूस था। ठीक है, उसको इस बात की भी खबर लगी कि उसने जो ये इटली के क्षेत्रों को जीता था ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया ने पुनः इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और इसी कारण से फिर वो डायरेक्टरी का शासन जो है समाप्त भी हुआ। तो अब क्या करता है नेपोलियन, जब अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेता है फ्रांस में, पेरिस में, तो फिर वो इस गुट की ओर ध्यान देता है। ठीक है, और सर्वप्रथम वो क्या करता है कि इसी ऑस्ट्रिया के इटली के रास्ते रास्ते ऑस्ट्रिया पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। ठीक है, और संभवतः ऑस्ट्रिया पर विजय भी प्राप्त करता है, और फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य पुनः एक बार 1801 में संधि होती है। ठीक है, फिर जब ऑस्ट्रिया को ये जीत लेता है तो हाथ लगे वो नेपल्स को भी जीत लेता है। नेपल्स जो कि उस समय पर इतना शक्तिशाली तो है नहीं कि वो नेपोलियन और उसकी सेना को परास्त कर सके, क्योंकि ये वास्तविक रूप से अन्य देशों पर ही आश्रित रहते थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को भी विजित कर लिया, नेपल्स को भी विजित कर लिया। जब ये सारी घटनाक्रम चल रहा था यूरोप में, तो किन्हीं कारणों से रशिया क्या होता है, इस गुट से अलग हो जाता है। अब कौन बचता है, सिर्फ और सिर्फ यूके बचता है, मतलब आपका यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन बचता है। वही एक ऐसा इकलौता राष्ट्र है यूरोप में जो अब फ्रांस के समक्ष आमने सामने खड़ा हुआ है और निरंतर युद्ध जो है कर रहा है। लेकिन
अब फ्रांस की भी नौसैनिक शक्ति ठीक है, ब्रिटेन की बहुत अच्छी है, फ्रांस की सेना जो थल सेना है वो भी उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब इन दोनों देशों के मध्य जो है प्रत्यक्ष युद्ध शुरू होता है, और लगभग युद्ध होता ही है कि 27 मार्च 1802 में फिर इन दोनों देशों के मध्य, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य, एक आमीन्स की संधि होती है। और इस संधि का जो रिजल्ट परिणाम निकलता है वो ये है कि ब्रिटेन के द्वारा फ्रांसीसी या नेपोलियन की जो सरकार स्थापित होती है फ्रांस में, उसको वो मान्यता प्रदान कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आमीन्स की संधि के बाद, चूंकि यूरोप में अभी जो है लगभग 14 से 15 महीनों की शांति स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा आमीन्स की संधि याद रखना है कि ये जो द्वितीय गुट निर्मित हुआ, इस गुट में जो कि इन इन नेपल्स को, ऑस्ट्रिया को तो हरा ही देता है, रूस अलग हो जाता है, और ब्रिटेन से अंततः फिर फ्रांस की आमीन्स की संधि होती है, और इसके फलस्वरूप जो है आपका जो है तो यूरोप में लगभग 14 महीनों की शांति स्थापित हो जाती है। लेकिन फिर कुछ कारण आते हैं, और कुछ कारणों में जैसे कि फिर ब्रिटेन कहता है कि ये जो स्विट्जरलैंड है, ये जो आपका बेल्जियम है, इस पर फ्रांस अपना अधिकार क्या करे, खत्म करे। लेकिन फिर नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटेन की बात को मानने से इनकार कर देता है, और इसी बात को लेकर के फिर ब्रिटेन और फ्रांस में जो है अप्रत्यक्ष युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब जितने भी देश हैं, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, इटली हो, स्पेन हो, ये सारे के सारे अब शांत पड़ चुके हैं, हार चुके हैं नेपोलियन से। अब सिर्फ यूरोप में एक ही राष्ट्र बचा है, वो है आपका ब्रिटेन। क्योंकि इसी समय पर जो साम्राज्यवाद है, जो उपनिवेशवाद है, वो अपने चरम पर होता है। ब्रिटेन सोचता है कि फ्रांस को मैं हरा करके और जो अपना एशिया है, जो यूरोप है, उसके व्यापारिक मार्गों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकूं। जबकि वहीं फ्रांस की सोच क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक ब्रिटेन ऐसा देश है जो मेरे रास्ते पर रोड़ा बना हुआ है, अगर मैं इसको पराजित कर देता हूं तो मैं यूरोप की एक सर्वशक्तिमान साम्राज्य स्थापित कर सकता हूं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि जब नेपोलियन वापस लौटता है, तब वापस लौटने क्रम में वो क्या सारी चीजें करता है। आंतरिक तौर पर वो अपनी शक्ति सत्ता का केंद्र बिंदु बन जाता है नेपोलियन बोनापार्ट, और बाह्य परिदृश्य में देखा हमने तो ये द्वितीय यूरोपियन गुट को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है एक बार पुनः। अब देखते हैं हम अब सारी चीजों को, चूंकि जो इसी टेन्योर में जो ये काउंसिल व्यवस्था के अंतर्गत है, 1799 से लेकर आपका 1804 तक, यहीं पर फ्रांस में कई सारे सुधारात्मक कदम भी उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो हमें पढ़ना रहता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों को समझाइए का वर्णन करिए। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका, और दूसरा है इसी के अंतर्गत नेपोलियन की संहिता, जिसको हम बोलते हैं नेपोलियन कोड, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हीं के साथ फिर आपका अंत में हम पढ़ते हैं नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, जो फ्रांस और ब्रिटेन के आमने सामने की, या कह सकते हैं अप्रत्यक्ष लड़ाई थी एक प्रकार से, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन के पतन का कारण भी बनती है। तो दोस्तों ये जो अभी तक का था ये हमने देख लिया, अब आगे के क्रम में हम देखेंगे नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार और नेपोलियन की सिविल कोड और उसकी महाद्वीपी। चलिए अब बात करते हैं हम नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्य, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो देखा कि अब चूंकि नेपोलियन प्रथम काउंसिल नियुक्त तो हो जाता है फ्रांस में, साथ ही साथ अगर हम बाहरी क्षेत्रों की बात करें तो फ्रांस की ब्रिटेन के साथ आमीन्स की संधि भी हो जाती है, जिससे कि अब यूरोप में जो है शांति का वातावरण स्थापित हो चुका है। उसी दौरान अब नेपोलियन जो है फ्रांस में कुछ सुधारात्मक कार्य या कदम उठाता है। इन कदमों को हम कुछ बिंदुओं पर देख सकते हैं, जैसे संवैधानिक सुधार करता है, प्रशासनिक सुधार करता है, आर्थिक सुधार करता है, शिक्षा में भी सुधार करता है, धार्मिक सुधार करता है, और कुछ न्यायिक व कानूनी सुधार भी नेपोलियन के द्वारा किए जाते हैं। अब इनमें पहला बिंदु है आपका संवैधानिक सुधार। तो हमने अभी बात की थी कि जब नेपोलियन जो है काउंसिल व्यवस्था के द्वारा वहां पर गठित होता है, तो वहां पर वो क्रांति काल का चौथा संविधान भी निर्मित करते हैं, और उस संविधान के द्वारा ही सारी शक्तियां इसमें निहित हो जाती हैं।
काउंसिल व्यवस्था में ही निहित हो जाती है। और साथ ही जो फ्रांस में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति लागू तो रहती है लेकिन नाम मात्र की रहती है, सारी शक्तियां किसमें निहित हो जाती है, नेपोलियन बोनापार्ट में। ठीक है, इसके बाद बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की। अभी तक जो कि फ्रांस में जो क्रांति काल तक की हम बात करें तो फ्रांस में अराजकता का माहौल व्याप्त था। हर जगह जो है तो उपद्रव हो रहे हैं, हर जगह जो है हिंसात्मक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। तो नेपोलियन के समक्ष ये चुनौती थी कि किस प्रकार प्रशासनिक सुधार जो है किया जाए। तो सबसे पहले उसने जो भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी थे, जो गलत कार्यों में लिप्त थे, उनको उसने क्या कर दिया, हटा दिया। और साथ ही साथ अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था वहां पर लागू कर दी फ्रांस में। अति केंद्रीकृत मतलब अब सर्वे सर्वा कौन होगा, अब सर्वे सर्वा केंद्र में बैठा व्यक्ति मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट होगा। साथ ही देखिए तो जो स्थानीय सरकार वहां पर गठित थी फ्रांस में, जैसे हमने बात की थी कि फ्रांस में जो पुरातन राज व्यवस्था वहां पर लागू थी उसको समाप्त करके फ्रांस में 83 भागों में या राज्यों में बांट दिया गया था, फिर राज्यों को कैंटन में और कैंटन को कम्यून में। तो कम्यून में ही ये स्थानीय सरकार गठित थी। तो अब स्थानीय सरकार पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट में। तो ये तो थे उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। अब बात करते हैं आर्थिक सुधार के अंतर्गत। तो अभी जो है फ्रांस की हालत जो है आर्थिक रूप से उतनी अच्छी सुदृढ़ नहीं थी चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट के पहले तक, क्योंकि चूंकि जो शासन व्यवस्था थी वो बड़ी ही अराजक व्यवस्था थी वहां पर। ठीक है, तो अब बात करें जब जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है तो काउंसिल के रूप में सत्ता पर बैठता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि जो अप्रत्यक्ष कर है और प्रत्यक्ष कर है उनका स्पष्ट विभाजन कर देता है और उसका जो अधिकांश जोर होता है वो अप्रत्यक्ष करों की ओर होता है। साथ ही साथ जो सेनाओं का वहन है, जो सेनाओं का खर्च है वो विजित राष्ट्रों पर वो थोप देता है, मतलब जिस राष्ट्र को वो हराएगा उस राष्ट्र के द्वारा उसकी सेना का खर्च जो है वहन किया जाएगा। अब इससे हुआ क्या कि जो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति में जो है दबाव कम पड़ा। साथ ही बात करें कि उसने फ्रांस में एक बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। ठीक है, साथ ही साथ व्यापार को और कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी उसने या उस क्षेत्र की ओर भी उसने काफी ध्यान दिया। सड़कें बनवाई, आंतरिक हो या बाह्य हो, नवीन जल मार्गों की खोज करी, शिप वगैरह जहाज वगैरह का निर्माण जो है वो करवाने लग गया। अब इसके बाद है शिक्षा क्षेत्र में सुधार। तो फ्रांस में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करने के लिए उसने संपूर्ण फ्रांस में शिक्षा को 3 भागों में बांट दिया था। 3 भाग कौन कौन से थे, आपकी प्राथमिक शिक्षा था, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा था। उच्च शिक्षा, इन तीनों शिक्षाओं को वो यूनिवर्सिटी नामक एक संस्था के अधीन उसने लाकर रख दिया था कि इन प्राथमिक व माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए जो सत्र होगा कि कितने वर्ष का पाठ्यक्रम होगा, कोर्स होगा, उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसका निर्धारण भी इनके लिए कौन कर रही थी, ये यूनिवर्सिटी नामक संस्था। लेकिन उसकी शिक्षा व्यवस्था में एक दोष ये मिलता है कि वो स्त्री शिक्षा पर उसने जोर नहीं दिया और उसने स्त्री शिक्षा को धार्मिक संस्थाओं के ऊपर जो है लाद दिया था। ठीक है, कि धार्मिक संस्थाएं ही जो है वो स्त्रियों को शिक्षा देने का काम करेंगी। फिर नेक्स्ट बात देखिए कि धार्मिक सुधारों के अंतर्गत क्या काम किया नेपोलियन ने। चूंकि नेपोलियन से पहले तक मैं बात करूं तो ये जो वर्ग था मतलब कि पोप और पादरी वर्ग थे, ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में आते थे। ठीक है, जब क्रांति हुई फ्रांस में तो इनके विशेषाधिकारों को छीन लिया गया, मतलब कि इनकी जो संपत्ति थी इनको छीन लिया गया था। तो ये लोग क्रांति के विरोधी हो गए थे। तो नेपोलियन के समक्ष ये बड़ी चुनौती थी कि इनको फिर से कैसे साथ में लाया जाए। इसके लिए नेपोलियन ने चर्च के साथ कोंकोर्दा नामक एक समझौता किया। ठीक है, इस समझौते में हुआ ये कि जो राष्ट्र जो फ्रांस था, फ्रांस में जो कि उसका जो बहुसंख्यक जो धर्म धर्म था वो कैथोलिक था, तो फ्रांस को इन्होंने एक कैथोलिक राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ जो पादरी वर्ग की नियुक्ति अब राज्य के द्वारा होने लगी, साथ ही इनको वेतन भी अब राज्य के द्वारा प्रदान किया जाने लगा। तो इस समझौते के बाद जो चर्च का जो विवाद का जो मुद्दा था संपत्ति को लेकर, वो मुद्दा क्या हो गया था, समाप्त हो चुका था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कानूनी व न्यायिक सुधार।
यही वो न्यायिक व कानूनी सुधार है जिन्होंने नेपोलियन को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। यह कथन स्वयं नेपोलियन का ही है कि मुझे मेरे 40 युद्धों के कारण नहीं अपितु मुझे मेरे इस विधि या कोड संहिता के कारण जाना जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये कानून, चूंकि अभी तक फ्रांस में, अगर मैं नेपोलियन के पहले की बात करूं तो हमने देखा था कि पुरातन फ्रांस में जो है तो जो कानून व्यवस्था थी उनमें काफी हमें विभेद देखने मिलता है, असमानताएं देखने मिलती थी, जबकि जो क्रांतिकाल में जो निर्मित कानून थे वो काफी कठोर प्रावधान उनमें रखे गए थे। तो ये भी नेपोलियन के समक्ष चुनौती थी कि किस प्रकार से उनमें सुधार किया जाए। तो नेपोलियन ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं को समाप्त करते हुए संपूर्ण फ्रांस में एक समान ये पांच संहिताएं लागू की। कौन कौन सी थी? ये पहली है आपकी नागरिक संहिता, दूसरी है दंड विधान, तीसरी है नागरिक प्रक्रिया संहिता, चौथी है व्यापार संबंधी संहिता और पांचवी है अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता। ठीक है, इसमें हर चीजों का उल्लेख किया है स्पष्ट रूप से नेपोलियन बोनापार्ट ने, और ये सारे फ्रांस में एक समान रूप से लागू कर दी गई। तो दोस्तों ये थे नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारात्मक कदम। तो इनको आप, ये बिंदु तो आपको याद ही रहेंगे, और उन बिंदुओं के अंतर्गत कौन कौन से काम नेपोलियन के द्वारा किए गए ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो चलिए, अब ये जो आपका टर्म है कानूनी व न्यायिक सुधार, ये इसको इनमें से सबसे जो ये पांच संहिताएं हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण संहिता है आपकी नागरिक संहिता, और इसी सिविल कोड को ही नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेपोलियन के द्वारा किए गए कानूनी सुधार या उसके द्वारा जारी की गई संहिताओं की। तो चलिए अब बात करते हैं कि नेपोलियन की कानूनी संहिताएं। तो अभी हमने सुधारात्मक कार्यों में ही इनके बारे में देखा था, तो बस उन्हीं को थोड़ा सा डिटेलिंग करना है आपको। ठीक है, तो ये पांच संहिताएं नेपोलियन ने अपने काल में जारी की या बनाई, उनमें से एक है आपका नागरिक संहिता, दूसरा है नागरिक प्रक्रिया संहिता, तीसरा है दंड विधान, चौथा है व्यवसाय संबंधी संहिता और पांचवा है अपराध प्रक्रिया संहिता या अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता। तो आइए बात करते हैं हम नागरिक संहिता की। ठीक है, कि नागरिक संहिता में किन किन बातों का उल्लेख मिलता है, किन किन बातों का प्रावधान था। तो इसमें सबसे पहले प्रावधान था कि फ्रांस की जनता के जन्म और उनकी मृत्यु का क्या बनाया जाएगा, पंजीकरण किया जाएगा। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं कई सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक दिखलाई पड़ती हैं, और कई प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें हमारे संविधान में भी स्थान दिया गया है। इसलिए नेपोलियन ने कहा था कि मुझे मेरे 40 युद्धों से नहीं बल्कि मुझे मेरे इस संहिताओं के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो पहला है आपका जन्म मृत्यु का पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया नेपोलियन ने फ्रांस में, और दूसरा है कि अगर अगर राज्य किसी भी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण करता है तो राज्य उस व्यक्ति को उस जमीन का क्या देगा, मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि परिवार का मुखिया कौन होगा, पिता होगा, और वर्तमान समय पर भी पिता होता है, लेकिन पिता की संपत्ति का पर अधिकार पुत्रों का होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। अगर पिता चाहे तो किसी भी पुत्र को संपत्ति से वो वंचित भी कर सकता था, ऐसा प्रावधान इस नागरिक संहिता में किया गया था। और फिर नेक्स्ट था कि तलाक का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होगा, पुरुषों को होगा। ठीक है, कि विवाह एक अटूट बंधन तो जरूर था, लेकिन यहाँ पर नागरिक संहिता में यह प्रावधान किया गया था कि तलाक लेने का अधिकार सिर्फ किसको होगा, पुरुषों को होगा, ना कि महिलाओं को। तो ये इस संहिता की एक ये नकारात्मक बिंदु भी है। आप अगर इस संहिता की का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए बोला जाए तो इस बिंदु को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं हम नागरिक प्रक्रिया संहिता की। इसमें बात की गई कि जो राजा है वो व्यक्ति की अपराधों की गंभीरता को देखते हुए राजा भी उसको दंड जो है दे सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ न्याय व्यवस्था के लिए सुदृढ़ बनाने के लिए भ्रमण कोर्टों की भी स्थापना का प्रावधान रखा गया, निशुल्क विधिक सहायता का भी प्रावधान रखा गया कि अगर कोई गरीब वर्ग है जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो निशुल्क विधिक सहायता का भी प्रावधान इस नागरिक प्रक्रिया संहिता में किया गया। फिर नेक्स्ट प्रावधान किया गया कि जो अदालतों की जो सुनवाई होगी वो खुले में होगी, मतलब बंद कमरे में नहीं होगी, लोग बैठ सकते हैं, लोग उस सुनवाई को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है
कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे प्रावधान जरूर आपको मिलेंगे जो हमारे वर्तमान संविधान में भी जिनको स्थान दिया गया है। तो ये है आपकी नागरिक प्रक्रिया संहिता। और थर्ड है आपका दंड विधान। दंड विधान में मतलब भी दंड किस किस प्रकार के होंगे, इनकी बातें वहां पर लिखी हुई हैं। तो सामान्य रूप से फ्रांस में दंड विधान के अंतर्गत दो प्रकार के दंड दिए जाते थे, एक है आपका आर्थिक दंड और दूसरा था आपका शारीरिक दंड। आर्थिक दंड में आपको जुर्माने लगा दिए जाते थे, जबकि शारीरिक दंड में आपको कारावास की सजा से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान होता था। फिर नेक्स्ट बात करें व्यवसाय संबंधी संहिता में। व्यवसाय संबंधी संहिता में व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए, जो कि व्यवसाय हमने पढ़ा था क्रांति काल में ठप्प हो चुके थे, तो अब पुनः उनको जो है तो बढ़ाने के लिए जो है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई थी, ताकि लोग जो है उनसे जो है तो कहते हैं ना लोन लेकर के अपना व्यवसाय पुनः संचालित कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रांस में व्यापार संबंधी नियम जो बनाए गए थे उसमें समानता रखी गई थी, मतलब चाहे वो बड़े उद्योग हो चाहे वो छोटे उद्योग हो, वो सभी समान प्रकार के नियम लागू होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और आलोचनात्मक मूल्यांकन का बिंदु आता है कि अगर पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो श्रमिक वर्ग की सुनवाई मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो एक आलोचनात्मक मूल्यांकन में एक आलोचना आप ये पॉइंट डाल सकते हैं, तलाक का अधिकार सिर्फ पुरुषों को था, और दूसरा ये है कि अगर विवाद की स्थिति बनती है दो वर्गों के मध्य तो श्रमिक वर्ग की सुनवाई वहां पर मान्य नहीं होगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपराध मूलक प्राकृतिक प्रक्रिया संहिता की। तो इसमें था कि जैसे कि देशद्रोह हो गया, हत्या हो गया, हत्या इनके लिए जो है कठोर दंड का प्रावधान किया गया, और इस दंड को देने के लिए जो है फ्रांस में फौजदारी न्यायालय की भी स्थापना की गई। तो इस प्रकार से ये है नेपोलियन की कानूनी संहिता, उसके कुछ प्रावधान। तो आपको बस इतना सा ही करना है। वैसे अभी तक एग्जाम में एक भी बार पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। अब जो इसके बाद हम टॉपिक करेंगे वो है नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, और ये महाद्वीपीय व्यवस्था के लिए आपको थोड़ा सा पुनः पीछे जाना पड़ेगा, जहां पर हमने पढ़ा था आमीन्स की संधि होने के पश्चात फ्रांस और जो होती है फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य, तो अब यूरोप में शांति का माहौल निर्मित हो चुका है। लेकिन पुनः एक साल या 14 महीने के बाद जो है वहां पर पुनः अब कुछ ऐसी मांगे रख दी जाती हैं, ब्रिटेन ऐसी मांगे रखता है फ्रांस के समक्ष कि फ्रांस या नेपोलियन बोनापार्ट उन मांगों को मानने से इनकार कर देता है, जिससे पुनः एक बार तृतीय यूरोपीय गुट का निर्माण होता है फ्रांस के विरुद्ध, और फिर से वही चीजें चालू होती हैं, और ब्रिटेन को बर्बाद करने के लिए, आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए नेपोलियन के द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई वही व्यवस्था आपकी महाद्वीपीय व्यवस्था कहलाती है। तो ठीक है, अब बात करते हैं महाद्वीपीय, करते हैं हम नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था की। तो इस व्यवस्था के क्रम में सबसे पहले हम बात करें कि नेपोलियन जो है 1802 में वो काउंसिल का मतलब कि आजीवन सदस्य जो है नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसके बाद 1804 में ही नेपोलियन बोनापार्ट को सम्राट का अनुवांशिक पद प्रदान कर दिया जाता है, और 1804 में ही उसे बाद में नोत्रा दामे गिरजाघर में जो है सम्राट के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अब देखना थोड़ा सा ये है कि मैं बात कर रहा था 1804 में सम्राट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन 1802 में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य आमीन्स की संधि होती है, और तत्पश्चात यूरोप में कुछ महीनों के लिए शांति व्यवस्था कायम होती है, और उसी के बाद यही सारी प्रक्रियाएं घटित होती हैं। ठीक है, लेकिन जब सम्राट का पद घोषित कर दिया जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का, उसके बाद पुनः अब इंग्लैंड जो है फ्रांस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, और कहता है कि ये जो बेल्जियम और नीदरलैंड के जो क्षेत्र हैं जिन पर अभी वर्तमान में फ्रांस का कब्जा है वो अपना कब्जा हटा ले। ठीक है, जिससे कि इंग्लैंड अपना कब्जा स्थापित कर पाए। तो नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटेन की इस बात को मानने से इनकार कर देता है, और इसी के प्रति उत्तर में इंग्लैंड जो है फ्रांस के विरुद्ध थर्ड यूरोपीय संयुक्त मोर्चे का गठन करता है। हमने अभी तक दो संयुक्त मोर्चे को देखा था जिसको विफल कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, लेकिन ये तीसरा मोर्चा गठित होता है, और इस मोर्चे में कौन कौन से देश होते हैं, इंग्लैंड है
ऑस्ट्रिया है, रूस है और प्रशा है, ठीक है। तो लगभग 1804 में ये मोर्चा गठित होता है। अब इस मोर्चे के क्रम में जो पहला युद्ध होता है वो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य होता है। इस युद्ध का नाम है 1805 में होता है ट्रफलगर का युद्ध, इसको नाम दिया गया। चूंकि यह जो युद्ध है ये पानी में होता है, मतलब कि जो फ्रांस का जहाजी बेड़ा है और जो ब्रिटेन का जो नौसैनिक है वो दोनों इस युद्ध को लड़ते हैं। और कहा जाता है कि यह युद्ध इतना भीषण हुआ था कि फ्रांस की जितनी भी नौसैनिक जहाज थे उसके जो बेड़े थे वो पूरे नष्ट नाबूद हो गए। और इस युद्ध में कहा जाता है कि फ्रांस की हार होती है, लेकिन ब्रिटेन को एक जो भारी नुकसान पहुंचता है वो ये है कि इसका जो सेनापति होता है जल सेनापति नेल्सन, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जो है तो अब इंग्लैंड की जीत से अब नेपोलियन बोनापार्ट को यह स्पष्ट नजर आने लगता है कि ब्रिटेन को की जल शक्ति इतनी मजबूत है कि उसको जल में हराना नामुमकिन है, ठीक है। तो वह अब कसम खाता है कि मैं कभी भी ब्रिटेन से जल में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करूंगा। तो अब उसके लिए वो अपनी जल सेना को मजबूत करने का प्रयास करना शुरू कर देता है। और इसी क्रम में अब वो इसके बाद ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ता है। ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ने के बाद ऑस्ट्रिया के साथ वो पेसबर्ग की संधि भी करता है। पेसबर्ग की संधि के परिणाम स्वरूप ये जो इटली के कुछ क्षेत्र है उत्तरी भाग में वो इटली ऑस्ट्रिया को देने पड़ते हैं, जिसको फ्रांस को। इसके बाद ये रुख करता है प्रशा, प्रशा मतलब उस समय जो कि जर्मनी था नहीं, जर्मनी बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था, उनमें एक सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो था आपका प्रशा, ठीक है। तो जर्मनी में वो क्या करता है कि 14 राज्यों को मिला करके एक राइन संघ का निर्माण करता है और अपने भाई को उस संघ का अध्यक्ष घोषित कर देता है। अब ये तो बात थी कि ऑस्ट्रिया को जीत लिया, प्रशा को जीत लिया, इंग्लैंड से वो 1805 में हार ही गया था। अब जो है 1806 तक लगभग संपूर्ण यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का आधिपत्य स्थापित हो चुका था, लेकिन उसके समकक्ष एक और शक्ति थी ब्रिटेन, जिसको वो अभी तक हरा नहीं पाया था। और उसे ये भी पता था कि मैं जल में, जो कि ब्रिटेन की नौसेना शक्ति बहुत मजबूत थी, और उसे पता था कि मैं जल शक्ति के माध्यम से उसे हरा नहीं सकता हूं। तो ब्रिटेन को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस व्यवस्था की शुरुआत की यूरोप में, उसे ही महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जाना गया। और इसी व्यवस्था के क्रम में सर्वप्रथम 1806 में नेपोलियन ने एक आदेश जारी किया जिसका नाम था बर्लिन आदेश। अब इस बर्लिन आदेश में नेपोलियन ने कुछ बातों का प्रावधान किया और बड़े कठोरता पूर्वक उन्हें पालन करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों को बाध्य भी किया। तो इस बर्लिन आदेश में कहा क्या गया, इस बर्लिन आदेश में कहा गया कि जितने भी यूरोपीय राष्ट्र हैं वो इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि बर्लिन आदेश में कहा नेपोलियन बोनापार्ट ने कि जितने भी यूरोपीय देश हैं ये यूरोपीय देश इंग्लैंड और उसके उपनिवेश, मतलब जहां कहीं भी हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, या कुछ भी, मतलब कहने का जितने भी उपनिवेश हैं इंग्लैंड के, उनके साथ यूरोपीय देश जो है व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। और दूसरी बात बोला कि इंग्लैंड और उसके उपनिवेश के कोई भी शिप जो है यूरोपीय बंदरगाह का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस कानून का बड़े कड़े ढंग से पालन किया जाएगा, अगर कोई भी देश जो है इस कानून को नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी। तो लगभग सभी देशों ने नेपोलियन के इस बर्लिन आदेश को माना और उसका पालन भी किया, लेकिन जो रूस था उस रूस ने इसके आदेश को मान्य से मना कर दिया। तत्पश्चात होता क्या है कि 1807 में नेपोलियन जो है अपनी सेना के साथ रूस के जो जार शासक है उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। अब इस ये जो रूस से युद्ध हुआ, इस युद्ध के फलस्वरूप नेपोलियन को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। हानि का कारण ये था कि ये जो पूरा क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा आपका रूस है, ठीक है। और रूस चूंकि यहाँ पर मॉस्को है तो उनका मानना था कि हम मॉस्को को फतह कर लेंगे तो जार शासक अपने आप घुटने टेक देगा, लेकिन ये नेपोलियन की बहुत बड़ी भूल थी। नेपोलियन अपनी सेनाओं के साथ जब बढ़ता है मॉस्को की तरफ
तो जार अपनी सेना के साथ हमेशा क्या पीछे हटता जाता है और अपनी सेना सहित वो जाकर साइबेरिया के क्षेत्र में शरण ले लेता है। और एक काम ये जार ये करता है कि जब वो पीछे हटता जाता है तो रास्ते में आने वाले सभी संसाधनों को वो क्या करते जाता है, नष्ट करते जाता है। संसाधन का मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं, जो जल स्रोत है जैसे कि कुएं हैं, तो कुओं में वो जहर डाल देते हैं ताकि ये जो नेपोलियन की सेना आएगी अगर उनको प्यास लगती है तो उस जल स्रोत का उपयोग वो नहीं कर पाएंगे तो उसकी सेना प्यास से मर जाएगी। खेत खलिहानों पर वो आग लगा देते हैं कि ताकि नेपोलियन की सेना को कुछ खाने के लिए ना मिले। तो लगभग 6 लाख की सेना लेकर निकला था नेपोलियन विजिट करने को, मास्को को जीतने के लिए। लेकिन लगभग जो कि ये जो क्षेत्र है ऑलरेडी ठंडा क्षेत्र है, यहाँ का जो जलवायु है इस जलवायु से परिचित नहीं थे फ्रांस की सेना। तो जब वो वहां जाते हैं, कई महीनों का डेरा डालते हैं मास्को में और जार अपने घुटने नहीं टेकता, फलस्वरूप वहां की जो जलवायु के कारण या भूख या प्यास से लगभग 5 लाख की सेना इसकी मर जाती है। तो लगभग कुछ व्यक्तियों को लेकर फिर ये वापस फ्रांस लौटता है। तो कहा जाता है कि रूस से युद्ध जो हुआ वो बड़ा ही इसके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। ठीक है, इसके बाद हो गया, फिर दोनों के मध्य संधि हो जाती है और रूस जो है वो ब्रिटेन का साथ नहीं देने का वचन दे देता है। लेकिन फिर मैं बात करूं बर्लिन आदेश के बाद, फिर पुनः 1807 में एक वारसा आदेश जारी करता है। वारसा आदेश के अंतर्गत नेपोलियन ये कहता है कि इंग्लैंड जो है जर्मनी और हनोवर के जो ब्रिटिश जो बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। अब जब 1807 में वारसा आदेश जारी करता है नेपोलियन, तो इसके प्रति उत्तर में इंग्लैंड जो है ऑर्डर्स इन काउंसिल 1807 में ही ऑर्डर्स इन काउंसिल आदेश पारित करता है। अब ये नेपोलियन के बर्लिन आदेश का प्रति उत्तर था कि अब इंग्लैंड ने कहा कि यूरोपीय राज्य, जितने भी यूरोपीय देश हैं, सभी यूरोपीय राज्य इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों के बंदरगाहों का प्रयोग या उन उपनिवेशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें बोलता है ऑर्डर्स इन काउंसिल में ब्रिटेन। इसके प्रत्युत्तर में पुनः पुनः मिलान आदेश पारित करता है नेपोलियन बोनापार्ट 1807 में। मिलान आदेश में कहा जाता है कि इंग्लैंड के या उसके उपनिवेश के कोई भी जहाज अगर किसी भी यूरोपीय राष्ट्र के बंदरगाहों का प्रयोग करते हुए आएंगे तो उनके जहाजों को माल सहित जब्त कर लिया जाएगा। अब ये चूंकि ये आदेश निकालता है, इससे होता क्या है कि एक घेराबंदी पूरी बन जाती है यूरोप में, ना तो इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों का माल यूरोप में जा रहा है, ना ही यूरोप और उसके उपनिवेशों का माल इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों में जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि अब धीरे धीरे, चूंकि अभी तक नेपोलियन को ये अंदाजा था कि मेरी ये जो महाद्वीपीय व्यवस्था है ये काम कर जाएगी और आर्थिक रूप से इंग्लैंड जो है वो पंगु बन जाएगा और मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका एक कारण ये था कि क्योंकि इंग्लैंड वैसे भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इसके उपनिवेश विश्व के अनेक अनेक देशों में थे जहां से इसको कच्चा माल प्राप्त भी होता था और इन उद्योगों यहां स्थापित उद्योगों में उन कच्चे मालों से वस्तुओं का निर्माण होता था जो यूरोप में सस्ते दामों पर बेच दी जाती थी। लेकिन जब ये सारी चीजें व्यवसाय बंद हो गए इंग्लैंड का यूरोप के अन्य देशों के साथ, तो नेपोलियन ने ये बोला था इन राष्ट्रों से कि आपकी आवश्यकताओं की जो चीजें हैं वो फ्रांस पूरी करेगा। लेकिन फ्रांस के उद्योग इतने सक्षम नहीं थे कि वो संपूर्ण यूरोपीय राष्ट्रों की आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति कर पाता। अब इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि वहां पर कालाबाजारी बढ़ने लगी, वस्तुओं के जो दाम थे उनके रेट जो है वो बढ़ने लग गए। धीरे धीरे वहां की जो जनता थी यूरोपीय राष्ट्रों की वो सड़कों पर उतरने लग गई। अब इसी के फलस्वरूप लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक फ्लू फाउंटेन आदेश जारी किया और इस आदेश के अंतर्गत यह आदेश निकाला कि अगर कोई किसी भी देश का कोई भी जहाज अगर ब्रिटिश बंदरगाहों का प्रयोग करते हुए आएगा तो उसके माल को आग लगा दिया जाएगा। चूंकि अभी तक मैंने बताया कि कालाबाजारी बढ़ने लगी थी, तो कहीं ना कहीं से ब्रिटिश राज्य जो है, जो ये अभी तक नेपोलियन का साथ दे रहे थे, वो चोरी छुपे ब्रिटिश मालों का प्रयोग अपने देश में कर रहे थे या अपने गोडाउन में छुपाकर
रख रहे थे। तो जब ब्लू फाउंटेन आदेश जारी किया नेपोलियन बोनापार्ट में, तो अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में जो है वो दहशत फैल गई कि अब हमारे जो माल पकड़े जाएंगे उन मालों को आग लगा दिया जाएगा, तो हमारी आर्थिक स्थिति पहले से खराब है, अब और खराब हो जाएगी, जो राजशाही चल रही है हमारे देश में वो खतरे में पड़ जाएगी। तो हुआ ये कि सभी सारे ये जो देश हैं अभी अभी तक जो नेपोलियन बोनापार्ट का साथ दे रहे थे, अब उसका साथ ना दे करके अब वो देने लग गए हैं इंग्लैंड का। तो अंततः फिर चतुर्थ गुट का निर्माण होता है फ्रांस के खिलाफ, और यही चतुर्थ गुट एक साथ मिल करके और 1815 में जो है तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर देते हैं, और नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने के बाद उसे जो है सेंट हेलेना द्वीप में भेज देते हैं, और वही निर्वासित जीवन जीते हुए लगभग 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। तो कहा यही जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए ये महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी, लेकिन यही व्यवस्था नेपोलियन के पतन का एक कारण बनती है। ठीक है दोस्तों, तो बात ये थी कि इन आदेशों को आपको ध्यान में रखना है कि बर्लिन आदेश, वारसा आदेश, मिलान आदेश और इसके बाद ब्लू फाउंटेन आदेश, ये सारे आदेश नेपोलियन बोनापार्ट ने जारी किए, जबकि ऑर्डर्स इन काउंसिल जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा जारी की गई। तो इनमें क्या क्या प्रावधान रखा गया ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कौन कौन से कारण थे। तो कारणों में हम इन्हीं कारणों को गिनते हैं कि पहली तो ये महाद्वीपीय व्यवस्था है, ठीक है, दूसरी है रूस से युद्ध, तीसरी बनती है स्पेन से युद्ध बनती है, चौथी बनती है कि ये चतुर्थ यूरोपीय राष्ट्रों के गुट का निर्माण हो जाना, ठीक है, पांचवी बनती है कि निरंतर युद्धों में लिप्त रहना, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा वो यही देखा कि निरंतर वो युद्धों में व्यस्त रहता है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसकी जो सेना है वो थक हार चुकी होती है, ठीक है। और जो कारण गिनने में आता है वो है कि नेपोलियन बोनापार्ट की नौसेना की दुर्बलता है। तो ये सभी कारण मिलकर के नेपोलियन के पतन का कारण बनती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है मेरा अभी फिलहाल समझ में आया होगा आपको। अगर अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स ऐसा क्रिएट होता है मन में, ठीक है, अगर निश्चित तौर पर फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में अगर आपने पहला दूसरा लेक्चर देखा होगा, तो नेपोलियन के संदर्भ का ये जो लेक्चर हमने अभी बनाया ये आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप अरस्तु आईएएस एकेडमी के चैनल में, यूट्यूब चैनल में, या अरस्तु आईएएस एकेडमी के फेसबुक में या टेलीग्राम चैनल में आप अपनी समस्याओं को उसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और निश्चित तौर पर मैं उन्हें देख करके उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सब सुरक्षित रहें, घर पे रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।